फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माई यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि हमारी मिलिंग मशीन कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम मिलिंग मशीन को MCB उठाकर स्टार्ट करेंगे। हमारी मिलिंग मशीन स्टार्ट हो गई है और उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, मिलिंग मशीन को का यहाँ पर कंट्रोल लगा हुआ है, इसको कंट्रोल को प्रेस करेंगे, मिलिंग मशीन स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद ये हमारा स्विच है, इसमें हमें टूल को रोटेट करते हैं। अगर हम राइट हैंड पर क्लिक करेंगे तो क्लॉक वाइज घूमेगा, अगर हम उसके नीचे करेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज ऊपर। बीच में यहाँ टूल हमारा घूमना स्टॉप हो जाएगा। ये हमारी जेड एक्सिस है, जो हैंडल है ना, इससे हम जेड एक्सिस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस आगे पीछे करनी है तो हम इस हैंडल से करेंगे। और ये हमारा तीसरा हैंडल है एक्स एक्सिस का, अगर हमें एक्स आगे पीछे स्लाइड करनी है तो इस हैंडल से करेंगे। जैसे हमारा टूल है, हमें ड्रिल करनी है तो ये ना हमारा ये फिक्स कर देगा टूल को, ऊपर नीचे स्लाइड नहीं होने की। अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो हमारी स्लाइड फ्री हो जाएगी, हम इसको ऊपर नीचे ड्रिल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फिक्स कर लेंगे इसको। आइए, हमारा यहाँ से हमारी मशीन का टूल निकलता है, इस पर पन्ना लगाकर हम टूल निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा टूल को फिक्स करने का हैंडल है, हम इसको दबाएंगे और इधर घुमा देंगे तो टूल हमारा फिक्स हो जाएगा। टूल हमारा फिक्स हो जाएगा, हम पन्ने की सहायता से टूल निकाल सकते हैं इधर से नीचे से। और ये जो हमारा है मिलिंग मशीन को हम कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से रोटेट होगी मशीन, यहाँ से रोटेट होगी। और अगर हमें मशीन को आगे पीछे करना है तो इस बोल्ट को फ्री करेंगे और ये दो बोल्ट, इन दो बोल्ट को फ्री करेंगे और इसको पन्ने की सहायता से घुमाएंगे तो मशीन आगे पीछे स्लाइड होगी और हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो।